जन्माष्टमी की दूसरा मेला यानी कि मैं अपने गांव में आप लोगों को रिव्यू दिखाने वाला हूं कि क्या स्थिति है और पब्लिक रिव्यू भी देने वाला हूं, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। तो गाइस मेला का जो ये व्यू है आप लोग हम दिखाते हैं, यहां पे देखिए सब कुछ मिल रहा है और अभी रात का सीन है, अभी भीड़ आज पहला दिन है, इधर इतना भीड़ उड़ नहीं है। यहाँ पर देखिए फास्ट फूड का दुकान है दिलखुश फास्ट फूड, और हम क्या बताएं आपको, यहाँ पर बहुत सारा दुकान सब है, और इधर है समोसा लिट्टी उट्टी झिल्ली उल्ली का दुकान है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, सब कुछ हम दिखाएंगे, क्या लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, ये राष्ट्रीय मिठाई जलेबी का दुकान है, यहाँ पे लिट्टी उट्टी सब है, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। और यहाँ पे हमारा कुछ फ्रेंड है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आशा होगा हमारे इस मेले में आपको बहुत आनंद आ रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे अभी काला काला फेस आ रहा है इसका, कोई बात नहीं, अगर आपको मौका मिले तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे यहाँ। अभी आज मेला शुभारंभ होने जा रहा है, ठीक है? तो चलिए अभी हम जो है ना आप लोगों को रिव्यू दिखाते हैं उन शॉप के जो ओनर है उन लोगों से। यहाँ पे बाबू साहब है और यहाँ पे नीरज है, और इनको तो सभी जानते हैं। यहाँ हम आपको मिला रहे हैं जो कि एक हमारे ही गाँव के हैं जो आइसक्रीम बेचते हैं। आवाज़ कम करो थोड़ा, आवाज़ बंद करो यार, कॉपीराइट आ जाएगा। बताओ कैसा लग रहा है मेला के बारे में, कुछ बताओ मेला के बारे में, बताओ ना कुछ यार, कैसा लग रहा है मेला? ठीक है। बोनी उनी हो गया? हाँ हो गया ना, ठीक है। तो अच्छा अच्छा पीछे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं जलेबी के शॉप पे, तो आइए पूछते हैं। चलिए कैमरामैन कम ऑन, यहाँ पे आप लोग जो आइएगा तो आप लोग को जलेबी उलेबी का जो व्यवस्था है यही पे हमारे अमित जी है, तो इन्हीं से आप लोग खरीदिएगा। बहुत ही अच्छा जो क्वालिटी में आप लोगों को जलेबी मिलेगा, समोसा लिट्टी का भी सुविधा है, और यहाँ पे नमकीन भी है। और यहाँ पर हमारे अंकल जी जिनका नाम है संजय शाह, तो यहाँ पे मिठाई उठाई जो आपको A1 क्वालिटी का मिलेगा। तो बताइए कुछ दुकान के बारे में बताइए। मेरा दुकान सबसे पहले आता है इस मेले में और लास्ट तक हमारे पास ग्राहक रहता है। जी हमारे पास नमूने का सामान रहता है, मेला में जो कहीं नहीं मिलेगा। अरे बाप रे बाप, एक से एक क्वालिटी मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग आइएगा ना मार्केट में, मतलब ये जो मेला में, तो आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यही रहा दुकान है, सब्जियाँ अभी बहुत सारे हैं। तो चलिए माँ बाप को दिखाते हैं उधर झूला की ओर, तो चलिए चलते हैं गाइस। तो चलिए अभी हम चलते हैं झूला उला की तरफ दिखाते हैं, और यहाँ पे सभी दुकान उकान अच्छा है, और पान उन आपको खरीदना होगा ना तो यहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। पति है माइक है बोलिए, इसमें पान बेच रहे हैं। पान बेच रहे हैं? हाँ बेच रहे हैं। हाँ बोलिए, हो गया है? हो गया। तो कैसा लग रहा है मेला के बारे में? मेला बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। आराम तरह का चाहिए ना। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि लोगों को यहाँ पे आना चाहिए मेला में, अभी हम आपको झूला उला के पास चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं। यार कैमरा क्वालिटी लो हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे झूला उला का अच्छा क्वालिटी है, झूला भी का है बस। यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चों के लिए झूला है, यहाँ पे हमको झुलाइएगा नहीं झुलाइएगा, ये गाइस हमको नहीं झुलाएंगे ऐसा बोल रहे हैं, इसमें भी नहीं झूलने देता है हमको। बताइए बाबू साहब हम इसमें कैसे जा सकते हैं, बताओ। ये बच्चा वाला झूला तुम कहे जाएगा? और यहाँ पे एक जो नाव वाला झूला बड़ा वाला झूला है, यहाँ पे आप लोग आकर के विजिट कर सकते हैं, 50 रुपये कॉस्ट रखा गया है। भैया से प्राइस पूछते हैं यार, तू तो बहुत कमा। चलिए देखते हैं और भी आगे, हम आपको दिखाते हैं गाइस। चलो और यहाँ पे एक झूला है घोड़ा वाला, आप आइए रसलपुर विजिट कीजिए जन्माष्टमी, और यह जो मेला है 10 तारीख तक रहने वाला है, तो आप लोग आकर विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पर जो रंगारंग कार्यक्रम का जो है उपलब्ध किया गया यहाँ पे, वो भी प्रबंध है। और यहाँ इस प्रकार कुछ मेला का व्यू है, देखिए आप लोग आइसक्रीम का ठेला है, सब कुछ है, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे दोस्त जो है कुछ अपना टिकट का प्राइज व्राइज देख रहे हैं। तो अविनाश कुछ बताओ टिकट के बारे में, कुछ बताओ टिकट के बारे में। तो फ्रेंड्स अभी हम गए हुए थे टिकट के बारे में पूछने के लिए कि हमें झूला झूलना है, तो टिकट का बोला 50 रुपया,
तो हमने बोला भाई बार्गेनिंग करके 10 आदमी जाएंगे 30 रुपए ले लो। उसने बोला आइए तो पहले फिर आप एंजॉय ले, अगर आपको झूलना है तो आप आ सकते हैं हमारे पास, संपर्क हमें कीजिए या हमारे फ्रेंड को कीजिए ब्लॉगर को, आइए आपको बात करवाते हैं। रोशन तो जरा बताइए क्या कितना का प्राइस होगा, कैसे है, कितना का प्राइस होगा, कितना मिनट चलाइएगा आप? मिनट नहीं होता है, राउंड होता है। कितना राउंड? 10 राउंड। 10 राउंड कितना रुपया? 50। ठीक है, आप लोग मेला में आइएगा तो इन्हीं के यहाँ ये झूला झूलने के लिए। इनको गॉड से ये सर्विस है। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार। ये सूरज कुमार जी का है, ये झूला है। चलिए आप रंगारंग कार्यक्रम का जो, चलिए फ्रेंड्स आगे आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है रंगारंग कार्यक्रम का जो है व्यवस्था किया गया है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहीं पे जो है रंगारंग कार्यक्रम का जो व्यवस्था है वो किया गया है, तो आप बताइए यहाँ पे क्या चीज़ का प्रोग्राम रखा गया है। कैमरामैन फोकस करो, तो यहाँ पे बताइए नाच रखा गया है कि ऑर्केस्ट्रा रखा गया है? नाच रखा गया है। नाच कितना दिन तक? 3 दिन तक। तो 3 दिन तक है यहाँ पे नाच रखा गया है, नृत्य के साथ और भी कुछ होगा जी बताइए? इसके बारे में नहीं पता है हमको। इनको भी नहीं पता, ये भी झूलने आए हैं, मतलब घूमने आए हैं, तो आप लोग भाई ये घूमिए, हम आप लोग घुमाते हैं। चलिए बालू साहब कम ऑन, और रंगारंग कार्यक्रम को उधर दिखा दो कैसा है सीन। तो इस प्रकार का कुछ सीन है रंगारंग कार्यक्रम का, यहाँ पे देखिए इधर आवाज़ बहुत ही ज़्यादा है, तो हम लोग अभी दूर जा रहे हैं, तो चलिए दूर चलते हैं। चलो आप पूछते हैं चौमिन वाला, हम दिखाते हैं जो कि हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है फूलो, फूलो नाम है, वही है जो कि चौमिन बेचता है। तो फूलो जी, फूलो कहाँ गया रे, क्या हो गया? अरे 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 फूलो इतना इसलिए मत देखा, इधर देखो कैमरा इधर लगा है, आप थोड़ा कुछ बताओ अपने दुकान के बारे में। हम डिस्प्लेशन में अभी है। चौमिन कितना रुपए देते हो मिनिमम? 20 रुपये। 20 रुपये का मिनिमम चौमिन है भाई, बहुत अच्छा चौमिन बनाता है, आप लोग यहाँ पर आइए देख सकते हैं। बेचारा अभी नाराज क्योंकि अभी उलट गया है उधर, तो ज़्यादा धूक लेता है इधर ना, कैमरामैन भी उलट रहा है, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं उधर। कैमरामैन कैमरामैन उधर का थोड़ा सीन, इधर का सीन दिखा दो। तो चलिए गाइस वहाँ पे आप लोग, हम लोग चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को किस प्रकार है, और एक और चौमिन वाला साहब को मिलाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और जो है हमारे, इनका नाम है छोटू जी, जो कि चौमिन बेच रहे हैं। बताइए मिनिमम कितना रुपये का चौमिन देते हैं बताइए आप जल्दी? 20 रुपये। मिनिमम 20 रुपये का चौमिन देते हैं, और चौमिन भी अच्छा है, यहाँ पे आप लोग आइए, डिस्काउंट उस्काउंट नहीं दीजिएगा बॉस? आइएगा चैनल के माध्यम से आइएगा तो आपको जो है 5 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, भरपूर मजा। तो चलिए आप आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो यही सब दुकान है, दीपक जी से रिव्यू लेते आइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दीपक जी बैठे हुए हैं एकदम मगन में, तो आइए इनसे रिव्यू लेते हैं, मेला के बारे में कुछ बताइए सर। मेला में बारिश हो गया और क्या बताया आपको, यही मेला में बारिश हो गया एकदम खचाखच, भीड़ होने के बजाय चकाचक हो गया है और कोई दिक्कत नहीं है। तो बताए मेला हमारा कैसा है, कुछ क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छा व्यवस्था है। अच्छा व्यवस्था है ना, और बगल में है हमारे बीपी जी जो कि अंदर अंदर चमनिया मुस्कान मार रहे थे, आइए उनसे पूछते हैं कि बताइए आप मेला के बारे में कुछ। बहुत अच्छा मेला है यहाँ, लोगों को विजिट करना चाहिए कि नहीं? हाँ। कितना दिन तक रहेगा? 3 दिन तक रहेगा। 3 दिन? 3 दिन बोले तो 7-10 तारीख तक रहेगा, तो आप लोग आकर के विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पे हमारा प्यारा सा दोस्त है जिसका नाम है विक्की कुमार, तो यहाँ पे आप लोग आइएगा, पान से लेकर के ठंडा कुरकुरे मसाला सब कुछ इनके यहाँ से खरीद सकते हैं, ये देख लीजिए। तो विजिट कीजिए मेला में और यहीं पे आइए, तो थैंक यू। आइए टुनटुन यादव से मिलाते हैं, ये हमारे गांव के बाहुबली है, आप बताइए कुछ मेला के बारे में। यहाँ देखिए हम लोग कृपया से आप और आप लोग के कृपया सभी जनता से आग्रह है कि मेला में भीड़ भाड़ मान के हो, और कृपया झगड़ा झाटी से बचे रहें, और इस दुकानदार को मान कृपया जल्दी से जल्दी आग्रह है कि विनती के साथ साथ के साथ सेवा किया जाए। हाँ हाँ अच्छा अच्छा बात है। तो यही सब स्थिति है मेला की, बारिश हो गया है और भीड़ बहुत कम हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर, अभी बहुत ही ज़्यादा क्या कीजिएगा भीड़ है, चलिए चलते हैं गाइस। तो मेला के बारे में कुछ बताइएगा बॉस? भाई मेला के बारे में क्या बताऊँ यार, अभी आया हूँ मेला। बताए पानी पानी हो गया है ना? पानी कहाँ है, पूरा सूखा हुआ है यार, कहाँ पानी लोग रहे, भीड़ नहीं ना है? कैसे नहीं भीड़ है, ये सब आदमी नहीं है क्या? बस बस बिहार में ऐसा मेला नहीं लगता है, जैसा इनका कहना है कि पूरा बिहार में ऐसा मेला नहीं लगता है, सही बात बोल रहे हैं, पानी लग गया है, अब क्या बताएं इसके अलावा हम।
तो चलिए, तो यही रहा कुछ अपने इधर का व्यू, और यही है अपना मंदिर, और यहीं पे आज 12 बजे रात में होगा कृष्ण जी का जन्म। तो यहाँ पे हम जो है अभी आए हैं भेलपूरी खाने के लिए। ये हमारे गांव के बाबा जी हैं, इनसे पूछते हैं तब बताइए कुछ मेला के बारे में। मेला बहुत अच्छा है, वहाँ देखो सारा व्यवस्था है, इसमें झूला वूला सब लगा हुआ है। उधर देख के बताइए। और भेलपूरी बटाटा पूरी सब उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप लोगों को भेलपूरी बटाटा पूरी उपलब्ध है। इधर कैमरा मैन इधर दिखाओ थोड़ा। हाँ, यहाँ पाइएगा तो आप लोगों को बेस्ट प्राइस में जो है इनके अच्छा भेलपूरी कहीं नहीं मिलेगा, जो हम बता रहे हैं, सीरियसली बता रहे हैं। आप लोग कहीं भी खाइए, हम पर्सनली यहाँ खाने के लिए आते हैं। तो अभी हम लोग खा रहे हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।